नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो आज सोशल मीडिया पर दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी के दो वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। दरअसल पहला वीडियो क्लिप तो बीजेपी दिल्ली शेयर करती है, जो कि अतिशी का है, जिसमें अतिशी के बारे में सबसे पहले तो मैं बताता हूँ क्या लिखती है बीजेपी दिल्ली। तो सबसे पहले देखिए, बीजेपी दिल्ली लिखती है, बीजेपी दिल्ली लिखती है, यह है दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी मार्लिना जी। ये काम में जीरो हैं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मारपीट करवाने के मामले में मार्लिना जी का कोई तोड़ नहीं है। ये दृश्य देखिए, मैडम ने जैसे ही अपने कार्यकर्ता के कान में बोलकर हमले का इशारा किया, तुरंत हमला शुरू हो गया। तो दरअसल एक्चुअली में ऐसा होता है, जो ये वीडियो क्लिप शेयर करती है ना, उस वीडियो क्लिप में अतिशी अपनी एक मंत्री होंगी, उनकी कोई नेता होंगी, देखने में नेता टाइप ही लग रही थी, एक महिला के कान में कुछ कहती है। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ मौजूद थी और भीड़ पूरी मतलब एक तरीके से आक्रामक ही नज़र आ रही थी। तो एक महिला के कान में अतिशी कुछ बोलती हैं। जैसे ही अतिशी उस महिला के कान में कुछ बोलती है ना, उसके बाद वो महिला आगे जाती है और एकदम से लड़ाई करने लगती है। भाई एकदम से आक्रामक हो जाती है, एकदम से गुस्से में लड़ने लगती है, ऐसे बातचीत करने लगती है, बोलने लगती है, लड़ने तक का लगती है। इस प्रकार का एक ये वीडियो था। तो इस प्रकार बीजेपी दिल्ली अतिशी के लिए लिखती हैं। तो इसके बाद दूसरा वीडियो क्लिप जो था उसको भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दिल्ली विधानसभा का एक वीडियो क्लिप है, जिसमें अतिशी जो है एक भाषण दे रही थी, बता रही थी कि 1.5 साल बाद में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। दरअसल आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की सीएम अतिशी ने कहा, आज आपके लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि 1.5 साल बाद हमारी पार्टी के राम और लक्ष्मण, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आज दिल्ली विधानसभा में हैं। लेकिन यह भी दुख की बात है कि भाजपा की साजिशों के कारण अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ रहे हैं। और बताती हैं कि बीजेपी ने किस तरह से उन्हें मतलब एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर भेजा था। अभी पता होगा अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो जेल के अंदर थे, अभी वे फिलहाल बाहर आ चुके हैं। तो जिसके बाद अतिशी यही बताती है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अंदर भेजा था जेल के, और इस प्रकार बताती हैं। और केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम लेते हुए बताती हैं कि आज हमारी पार्टी के राम जी और लक्ष्मण जी यहाँ पर मौजूद हैं, और इस प्रकार बताती हैं और इस प्रकार आगे भाषण देती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कहती हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किस तरह से जेल में भेजा गया। तो इस प्रकार पूरा भाषण देती हैं अतिशी। तो अतिशी का ये वीडियो और बीजेपी दिल्ली ने जो वीडियो शेयर करा, जो कि मैंने आपको भी बताया, उस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हो रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों वीडियो के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।